हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सुजाता और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैंने आपके लिए बनाई है पहाड़ी कड़ी। ये पहाड़ी कड़ी सेम वैसे ही होती है जैसे बेसन की कड़ी होती है, बट ये बिना बेसन की कड़ी है। तो चलिए बनाते हैं आज इस कड़ी को। उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक ग्लास छाछ चाहिए, मट्ठा जिसे हम बोलते हैं, और आप अगर आपके पास मट्ठा नहीं है तो आप एक कटोरी दही भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एक भगोना ले रही हूँ, आप किसी भी बाउल में इसको डाल के इसका इसमें मैंने एक जो ग्लास है वो मट्ठा डाली है और एक छोटी कटोरी मैंने यहाँ पे आटा डाला है, जो नॉर्मल आटा होता है जिसका हम रोटी बनाते हैं वो डाल देंगे। आटा डालने के बाद मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला है। इसमें मैं मसाला डाल रही हूँ जिसमें आपको पता ही है 2 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी है, तो इसके हिसाब से मैंने 2 चम्मच इसे डाला है मसाले को। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करना है कि इसमें किसी भी प्रकार की गुठलियां ना रहे। पहले आप इसे ऐसे ही मिक्स करें, फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ही इसे मिक्स करें। अच्छे से फेंट लें, इसमें एयर्स आ जाएं, उससे कड़ी का जो टेस्ट है वो और बढ़कर आता है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, फिर इसे अच्छे से फेंट लूंगी, बट ध्यान रखिएगा कि कोई भी लम्स ना रहे इस कड़ी में। ये सिंपल और बहुत ही इजी और जल्दी बनने वाली कड़ी है कि आपके घर में कुछ नहीं है, ना बेसन है ना दाल वगैरह, तो आप इसे क्विकली बना सकते हैं इस कड़ी को। अब इसमें मैंने थोड़ा पूरा पानी डाल दिया है कि जितनी मुझे कड़ी चाहिए, मात्रा चाहिए, भगोना मैंने इसे भर दिया है इसे पानी से। अब मैंने कढ़ाई रखी है जिसमें मैंने 3 चम्मच सरसों का तेल डाला है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, बट पहाड़ में मोस्टली सरसों का तेल ज्यादा मिलता है या वो लोग ज्यादा खाना प्रेफर करते हैं, तो मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो जाए जब, तो उसमें मैंने राई डाली है 1.5 चम्मच, और राई जब अच्छे से चटकने लगे, देखिए राई चटकने में टाइम लग रहा है, देखिए चटक चुकी है राई है। इसमें मैंने 3 साबुत लाल मिर्चें और लहसुन की कुछ कलियां उसे डालेंगे हम, और इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक लहसुन का कलर चेंज ना हो जाए, थोड़ा ब्राउनिश कलर का ना हो जाए। अगर ब्राउनिश कलर का होगा तो इसका जो एक टेस्ट है वो अलग ही आएगा। और देखिए इसका कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। इसमें मैंने प्याज डाला है, 1 प्याज बड़ा काट के, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसको अच्छे से भूनना है आपको। कलर चेंज होना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे एक अच्छा टेक्सचर होता है, क्योंकि इसमें हम कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालते हैं कड़ी में, इसीलिए जो मेन होता है इसका तड़का ही होता है और इसका पकाने का टाइमिंग होता है। तो इसे अच्छे से भून लीजिए आप, देखिए इसे अच्छा सा पक जाए जब, ये देखिए इसका कलर भी चेंज होने लगा है, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। देखिए अब पूरी तरह से इसको मैंने ब्राउन कर लिया है। इसका कलर चेंज होना बहुत जरूरी है जैसे मैंने आपको बताया है। अब इसमें मैंने जो छाछ तैयार करी थी वो पूरी मैं इसमें डाल दूंगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी, इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे थोड़ा सा पानी और डाल के पकाएंगे, और इसे मिनिमम आपको 15 मिनट्स पकाना है, क्योंकि कड़ी में आपको पता ही है जितना ज़्यादा हम उसको पकाएंगे उतना ही टेस्ट उसका बढ़कर आता है। देखिए इसे पकाने के लिए रखा है, देखिए थिक होने लगी है। पहले से आप थिकनेस में ही पकाइएगा, पहले पानी कम डालिएगा, बाद में ही इसमें एक्स्ट्रा पानी डालिएगा कि अगर आपको लगे कि गाढ़ी हो रही है। अब
भी मैं इसको इतने में ही पकाऊंगी, कम से कम आप इसे 15 मिनट पकाइएगा। रियली दोस्तों बहुत ही यम्मी होती है टेस्ट कढ़ी। देखिए पकने लगी है अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई नीचे ना लग रही हो कढ़ी। इसको मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी। इसको मैं बीच बीच में चला भी रही हूँ जिससे ये नीचे ना लगे। देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी। ये पानी मैंने डाल लिया है, देख इसमें अच्छा सा उबाल आ चुका है और ऑलमोस्ट हमारी कढ़ी भी पक चुकी है। आप चाहें तो इसमें पकौड़ी बना के भी इसे डाल सकते हैं, बट मैंने इसको सिंपल बनाया और इजी ही 10 मिनट्स या 15 मिनट में पक के आराम से तैयार हो जाती है। इसमें टाइम भी नहीं लगता, इंग्रेडिएंट्स भी ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं। तो देखिए हमारी कढ़ी एकदम बन के तैयार हो चुकी है। मैं इसको सर्व कर लूंगी। देखिए मैंने सर्व कर ली है, कितना अच्छा इसे मैंने धनिया के साथ सर्व करा है। आप चाहे इसे अच्छे चावल के साथ